العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علماء کی بڑی عظیم خدمات ہے، قرآن کریم کی جو بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ان میں سے چند وہ مشہور تفاسیر جو اگرچہ طبعات سے آراستہ نہیں ہو سکی مگر باوثوق ذرائع سے اس کے بارے میں جو اطلاعات کتابوں میں مندرج ہے اسے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نور اللہ مرقدہ نے یتیمۃ البیان میں ذکر کیا ہے. وہ چند تفاسیر یہ ہیں. پہلی تفسیر، ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن البخاری الحنفی کی. ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن البخاری الحنفی، جو صاحب ہدایہ کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں، جو صاحب ہدایہ کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں. سن ہجری 546 میں آپ کی وفات ہوئی. ان کے سلسلے میں فقہ حنفی کے مشہور محقق قاسم ابن قطلبغہ نے تاج التراجم میں ذکر کیا ہے. کہ آپ نے قرآن کریم کی جو تفسیر لکھی جو 1000 اجزاء پر مشتمل تھی، جو 1000 اجزاء اور جلدوں پر مشتمل تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ 6ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، 5ویں صدی ہجری کا اواخر اور 6ویں صدی ہجری کا اوائل. اس زمانے میں قرآن کریم کی 1000 جلدوں پر مشتمل تفسیر کا لکھنا، اور اگر اس کا ذکر کوئی مؤرخ کر دیتا غیر معتبر تو کوئی بات تھی، لیکن فقہ حنفی کے مشہور محقق امام قاسم ابن قطلبغہ وہ ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تحقیق کے بعد وہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. دوسری تفسیر، ابو یوسف عبد السلام بن محمد القزوینی کی. تین سو جلدوں میں، جس کا نام حدائق ذات بہجہ
साहिब कशफ जुनून फरमाते हैं, के बाद हजरात के जरिए पता चला कि ये 300 नहीं बल्कि 500 जिल्दों में थी। ये किताब कितनी जिल्दों में? 500 जिल्दों में। तीसरी तफसील, इमाम अल मुफस्सिरीन और मुदव्विन इल्म तफसीर इमाम जरीर तबरी ने कुरान करीम की तफसीर 30,000 सफहात में लिखी, फी 30,000 वरका, 30,000 सफहात में लिखी। और फिर उसका इख्तिसार 3,000 सफहात में किया, और फिर उसका इख्तिसार 3,000 सफहात में किया, यानी 10%। अब वो 3,000 सफहात वाली आज 25-30 जिल्द में शाये होती है, तो उसी को अगर 10 से ज़रब दे दो तो कितना बन जाता है? तकरीबन 300। तो इमाम जरीर तबरी ने बहुत तवील तफसीर लिखी थी, फिर उसका इख्तिसार कर कर इमाम जरीर तबरी की तफसीर शाये हुई। चौथी तफसीर, इमाम ताजुद्दीन अस्सुबुकी की, इमाम ताजुद्दीन अस्सुबुकी की 30 जिल्दों में। पांचवी तफसीर, काजी अबू बकर इब्न अल अरबी, काजी अबू बकर इब्न अल अरबी जो आपने अस्सी हजार सफहात में लिखी, फी 80,000 वरका, 80,000 सफहात में लिखी। जिसका आपने खुद अपनी किताब, अपनी बाज किताबों में जिक्र किया है, जिसका खुद आपने अपनी बाज किताबों में जिक्र किया है। और बाज़ हज़रात ने आपकी इस तफसीर को 80 जिल्दों में 80 जिल्दों में आपके इंतकाल के काफी तवील अरसे के बाद देखी भी है। पांचवी तफसीर, छठी तफसीर, शेख अकबर इब्ने अरबी अत्ताई अल अंदलुसी, शेख अकबर इब्ने अरबी, एक है इब्नुल अरबी और एक है इब्नु अरबी, एक है मुअर्रफ बिल लाम और एक है नकेरा।
तो इब्नुल अरबी ये दूसरे हैं और इब्नु अरबीन ये दोनों अलग अलग हैं। पहले जो इससे पहले अभी जिक्र किया ये इब्नुल अरबी मुअर्रफ बिल्लाम है, ये फिक्ह मालिकी के बड़े बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं। इनकी किताब है अहकामुल कुरान लि इब्नुल अरबी फी फिक्हिल मालिकी। और ये जिनका तस्किरा हो रहा है ये इब्नु अरबीन से मशहूर है। ये एक मुख्तलफी शख्सियत गुजरी है। इनके सिलसिले में बाद हजरात ने बड़ी गुस्ताखियाँ की है, ख़ासतौर पर गैर मुकल्लिदीन आज भी अलियाज़ु बिल्लाह इन्हें जिंदीक कहते हैं, जबकि हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद और उम्मत के अकाबिर इनके बारे में सुकूत इख्तियार करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ये बड़े बुलंद पाए के बुजुर्ग थे और इनका तसव्वुफ़ के बाब में बहुत बड़ा मकाम था। लेकिन जो लोग तसव्वुफ़ को नहीं मानते हैं वो लोग इमाम इब्न अरबी को भी नहीं मानते हैं, और वो इस तरह से तवजीह करते हैं कि इब्नुल अरबी जो मारिफा है वो मारूफ है और इब्न अरबी जो नकेरा है वो मुनकर है। हालांकि ये गलत है। इमाम इब्न अरबी बहरहाल तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वली मिन औलिया इल्ला एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके बारे में इस तरह के ख्याल रखना ये मुनासिब नहीं है। उन्हीं इब्न अरबी का तस्करा यहाँ पर हो रहा है। ये शेख अकबर से मशहूर है, इन्होंने तसव्वुफ़ के बाब में बहुत सारी किताब लिखी है, जिसमें आपकी सबसे मशहूर किताब है अल-फुतूहातुल मक्कीया। साहिब कश और करामत बुजुर्ग थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला तो आपने ख़ुद इनके हालात के ऊपर एक किताब लिखी है, जिसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन मंसूर हल्लाज है, ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनको भी गैर मुकल्लिदीन अलियाज़ु बिल्लाह ज़िंदीक कहते हैं। तो ये जो भी आदमी उनके राय और उनके मजहब के ख़िलाफ़ होता है उठाकर उसको काफिर, किसी को मुशरिक, किसी को ज़िंदीक बना देते हैं। लेकिन इन्हें ये समझना चाहिए कि इतना आसान नहीं होता है किसी को भी उठाकर किसी पर भी कुफ्र का फतवा लगा देना। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नवरल्लाहु मरकदहू एक मरतबा फरमाते हैं, उनके तलामिज़ा एक हदीस पढ़ा रहे थे और हदीस के दौरान एक हदीस आई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाएगा और हिसाब व किताब के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह फरमाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान हो उन्हें निकाल कर आप जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को तलाश करेंगे, आपको ये मलका दिया जाएगा, ये सलाहियत दी जाएगी कि आप लोगों के कुलूब पर झांकेंगे और दिल को देखकर आपको दिल पर से ईमान और अल्लाह पर ईमान की नूरानियत महसूस होगी। तो जिसके दिल पर आप ज़र्रा बराबर राय के दाने के बराबर भी ईमान का नूर देखेंगे उसे जन्नत से क्या कर देंगे, निकाल देंगे और जहन्नम से निकाल देंगे अलियाज और जन्नत में डाल देंगे। फिर अल्लाह फरमाएंगे कि एक बार फिर देखो, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, तीन बार देखेंगे तो कहेंगे कि अब तो कोई नज़र आता नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएंगे कि और भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल में राय के दाने से भी कम ईमान है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन अपने चुल्लू भरकर ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेगा, जिनके ईमान को नबी की आंख भी नहीं देख सकी, इतना कलील ईमान होगा उनका। ऐसे लोगों को भी अल्लाह और अल्लाह का चुल्लू कितना बड़ा होगा। तो फरमाते हैं कि अल्लाह तीन चुल्लू भरकर उनको निकाल कर, तो हजरत फरमाते हैं कि जब हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नवरल्लाहु मरकदहू ने इस हदीस को पढ़ा तो आप ज़ारो कतार रोने लगे। आपके तलामिज़ा ने कहा कि हजरत क्या हुआ, तो आपने फरमाया कि आज हमारे लोग बैठे बैठे किसी को भी काफिर बना देते हैं, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पर ईमान की कितनी कदर है कि जिनके दिलों में राय के दाने से भी कम ईमान होगा अल्लाह उसे भी उठाकर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में क्या कर देंगे, डाल देंगे, जिस ईमान को खातमुल अंबिया और इमामुल अंबिया की आंखें भी नहीं दिख सकी, ऐसे ईमान को भी उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ कर उनको जन्नत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे, तो हम और आप कौन होते हैं लोगों के ऊपर कुफर के फतवे लगाने वाले। तो कहा इसलिए मैं आप हजरात से कहता हूं कि आप कभी किसी के ऊपर इतनी आसानी के साथ कुफर के फतवे मत लगाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े जरी होते हैं, अपने आप ही को मोमिन समझते हैं, अजाब कुल्लु ज़िरा, अपने आप ही को सब कुछ समझते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं, तो वो उठाकर किसी की भी शान में कोई भी गुस्ताखी कर देते हैं, इमाम साहब को नहीं छोड़ते हैं, तो ये दूसरे लोग तो बेचारे किसी और मसरफ में उनके यहाँ पर आते ही नहीं हैं। तो साहिब फुतुहात मक्कीया इमाम इब्न अरबी सातवीं सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। इनके बारे में आता है कि आपने 60 जिल्दों में
قرآن کریم کی تفسیر لکھی جس میں آپ سورہ کہف تک پہنچ سکے تھے، 60 جلدوں میں، فی 60 صفرن، 60 صفر لکھے، صفر سین سے آتا ہے، جس میں آپ سورہ فاتحہ تک پہنچ سکے. ساتویں تفسیر ہے شیخ جمال الدین ابو عبداللہ الحنفی المقدسی کی. شیخ جمال الدین ابو عبداللہ الحنفی المقدسی کی، جو ابن النقیب سے مشہور ہے. چھ سو 98 میں آپ کا انتقال ہوا. پچاس سے زیادہ جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر آپ نے لکھی. اور امام قفوی فرماتے ہیں کہ 50 نہیں بلکہ 80 جلدوں میں. اور امام مجیر الدین الحنبلی وہ فرماتے ہیں کہ 99 جلدوں میں یہ تفسیر ہے. جس میں آپ نے 7ویں صدی تک جو تفسیریں لکھی گئی تھی اس میں سے معتبر 50 تفسیروں کو جمع کیا تھا. 7ویں صدی تک جو تفسیریں لکھی گئی تھی، جمع فیہ 50 مؤلفاً فی التفاسیر، اس میں سے 50 تفسیروں کو آپ نے جمع کر دیا تھا. آٹھویں تفسیر ابو القاسم الاصبہانی کی، تیس جلدوں میں. نویں تفسیر شمس الدین ابو المظفر کی، تیس جلدوں میں. دسویں تفسیر مفضل بن سلمہ الحنفی کی، بیس سے زائد جلدوں میں. گیارہویں تفسیر ابو بکر محمد ابن الحسن الانصاری النقاش کی، ابو بکر محمد بن الحسن الانصاری النقاش کی، بارہ 12,000 صفحات پر مشتمل. اس کے بعد علامہ بن نوری فرماتے ہیں یہ وہ تفسیریں ہیں جس کا مجھے علم ہو سکا، البتہ 10 یا 10 سے زیادہ جلدوں میں اتنی تفسیریں ہیں کہ جس کا شمار بھی ممکن نہیں. تو قرآن کریم کی وہ مشہور تفاسیر تھی جس کے بارے میں علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے چند چیزیں ذکر کی. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ابھی پچھلے 2-4 سالوں میں قرآن کریم کی تفاسیر پر جو اجتماعی اعتبار سے کام ہوا ہے،
इसमें एक तफसीर है मौसूअतु अत-तफसीर बिल मासूर, मौसूअतु अत-तफसीरी बिल मासूर, जिसमें अहादीस मुबारका हर आयत के ज़ेल में जितनी अहादीस ज़खीरे अहादीस में मिल सकती है उन सबको उन्होंने जमा किया है। ये तकरीबन 30 जिल्दों में और एक एक जिल्द 700-700-800-800 सफ़े की है। इसी तरीके से एक और तफसीर है, अभी 5-6 महीने पहले मंजर आम पर आई है, अत-तफसीर मौसूअतु अत-तफसीर अल-मौदूई लिल-कुरान, मौसूअतु अत-तफसीर अल-मौदूई लिल-कुरान 35 जिल्दों में और एक एक जिल्द 800-800-900-900 सफ़ात है। अत-तफसीर अल-मौदूई, मौसूअतु अत-तफसीर अल-मौदूई लिल-कुरान अल-करीम। और एक और नाम, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अल-हावी फी तफसीर, अल-हावी फी तफसीर अब्दुर्रहमान अल-कुम्माश की, ये तकरीबन 840 जिल्दों में, कितनी जिल्दों में है, 840 जिल्दों में। गर्ज़ है कि इस उम्मत ने कुरान करीम पर और उसको समझने और समझाने के लिए जो मेहनतें की है उसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में कहीं मिल सकती नहीं है। इसीलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतीन। अजीब बात फरमाई आपने, कहा कि ये उम्मत हर बाब में खैर उम्मत है, उलमाउहुम खैरुल उलमा, मुलूकुहुम खैरुल मुलूक, अवामुहुम खैरुल अवाम। कहा इस उम्मत का हर तबका पिछली उम्मतों से अफजल और बेहतर है। कहा इस उम्मत ने जैसे उलमा पैदा किए दुनिया की तारीख में कोई उम्मत ऐसे उलमा नहीं पैदा कर सकी, हादा बिफ़ज़लिल्लाह। इसी तरीके से इस उम्मत के बादशाहों ने जो कारनामे अंजाम दिए, हजरत फरमाते हैं कि मैं इस बात का कायल हूं कि मुसलमान बादशाहों को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। का इसलिए कि मुसलमान बादशाहों की अक्सरियत वो है जिन्होंने ऐसे अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं कि दुनिया की तारीख में किसी और उम्मत के बादशाहों ने वो कारनामे अंजाम नहीं दिए। उनके वज़रा कल ही मैं रात में पढ़ रहा था, मशहूर वज़ीर थे खिलाफत बनू अब्बास के दौर में, उनका नाम भी जहन में है, ज़बान पे नहीं आ रहा है, वज़ीर है बादशाह के सबसे बड़े, अल-वज़ीर अल-अव्वल, और उनकी 90 तसनीफ़ात हैं। कितनी तसनीफ़ात हैं, 90 तसनीफ़ात। कली का कहीं पर मैंने पढ़ा कोई मकाला अरबी में, इसमें किसी ने उनकी उन तमाम के तमाम तसनीफ़ात के नाम और वो तसनीफ़ात इस वक्त दुनिया के किस कुतुबखाने में मखतूते की सूरत में मौजूद है वो जमा किया था। इस वक्त जहन में नहीं, आप इब्नुल अलकमी है ऐसा कुछ नाम है उनका, तो वज़ीर है बादशाह का। तो फरमाते हैं कि वो वज़ीर ऐसा था कि उसके आस्तीन बड़े बड़े थे, हमेशा उसके आस्तीन में किताबें रहती थी। कहा जहाँ पर अपने बादशाही उमूर और बादशाह के काम से फारिग होता किताब लेके क्या हो जाता था, बैठ गया था। इतनी उसको दिलचस्पी थी किताब से, कहा कि उसके अपने ज़ाती कुतुबखाने में 7 लाख से ज़्यादा किताबें थी। 34 सदी में उसके अपने ज़ाती कुतुबखाने में, और कहने वाले ये कहते थे कि शायद कोई किताब ऐसी होगी कि जो इसके मुताले से न गुजरी हो, सारी किताबें पढ़ डाली थी। कहा उसको किताब के सिवा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। आगे वो कहता था जन्नती फी दुनिया किताब, दुनिया में मेरी जन्नत किताब है, दुनिया में कौन ऐसे गुजारा पेश कर सकता है। तो इसलिए हज़रत थानवी फरमाते थे कि इस उम्मत के उलमा तो है ही, लेकिन इस उम्मत ने बादशाह भी ऐसे पैदा किए। हारून और रशीद के बारे में बयान करते हैं कि हारून और रशीद दीवान अरब का इतना बड़ा हाफिज था कि अगर उसके सामने
किसी एक दीवान का एक मिसरा पढ़ दिया जाता है, एक शेर नहीं, शेर तो दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, और तो एक मिसरा पढ़ दिया जाता तो फिर वो कह देता कि ये कौन से शायर के दीवान से है और किस मौजू पर ये है, और फिर उसके बाद वो पूरा के पूरा क्या कर देता था, वो सुना दिया करता था। काश सारे के शोरा के जितने दवाबीन थे वो सारे के सारे उसको बरनों के जबान बिल्कुल ऐसे ही आते कि एक मिसरा सुनने के बाद पूरा के पूरा उसके उसके उस बारे में उसने जितने नज्म कहे होते थे, जितने अशार कहे होते थे, सब सुना दिया करता था, पूरा कसीदा सुना देता था। उसका बेटा मामून अर रशीद जो एतजाज से मुतासिर था, उसके बारे में भी आता है कि वो भी पढ़ने पढ़ाने का इतना, क्योंकि उसकी खास तरबियत की थी हारून अर रशीद ने, इसलिए उनका मशहूर है, शायद नफहतुल अरब में आपने पढ़ा होगा कि एक मरतबा अमीन से और मामून से इम्तिहान लिया हारून ने, और इम्तिहान में उनसे पूछा कि मा हिया जमउ मिसवाक, मिसवाक की जमा क्या है, तो अमीन ने कहा कि मसाविक। अब मसाविक के दो माने होते हैं, एक तो मिसवाक की जमा और दूसरे आपकी बुराइयां, दूसरा माने क्या होता है उसका, मसाविक के मतलब आपकी बुराइयां। तो फिर उसने सवाल किया किससे, मामून से, तो मामून ने जवाब दिया जिद्दु महासिनी का, कहा कि मसाविक अगर कहे तो अपने बाप को यह बोलना लाजिम आता है, उसका अदब के खिलाफ है कि अपने बाप को कोई ये कहे कि तुम्हारी बुराइयां, तो कहा कि अच्छी बात नहीं है। तो उसने क्या कहा कि मिसवाक की जमा क्या है, कहा जिद्दु महासिनी का, आपके महासिन की जिद। तो कहा कि सराहतन उस लफ्ज को बोलकर बाप की बुराइयां बयान करना उससे बेहतर यह है कि ये, तो कहा कि जब वो छोटा था जब उसने ये जवाब दिया था जिद्दु महासिनी का, तो फरमाते हैं कि ये ऐसे हुआ करते थे। और हमारे जमाने में झूठ का पलिंदा, जितना झूठ ये बादशाह और वज़ारा बोलते हैं, इनको मैं यही कहता हूं कि ये लोग कैसे हैं कि इनको मंत्री कहते हैं, ये मुश्तक है मंत्र से, ये मुश्तक है किससे, मंत्र से। मंत्र में भी क्या होता है, ऐसे ही वो जो नजरबंदी करने वाला होता है वो बड़े बड़े मंत्र पढ़ता है और कुछ भी, हालांकि होता होता कुछ नहीं, होता होता कुछ नहीं, लेकिन वो आदमी को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही मंत्र पढ़ते हैं, पूरे 120 करोड़ हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का पॉपुलेशन और यहां की मर्दुमशुमारी कितनी है, 130 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की आबादी इस वक्त 800 करोड़ है, पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, गोया कि उसका सुबह उसका सातवां हिस्सा कहां पर है, हिंदुस्तान में, मगर उसके बावजूद भी इतनी बेवकूफ आवाम है कि इनके बारे में क्या कहा जाए। बहरहाल जहां पर हमने ये जाना कि कुरान करीम की तफसीर के बाब में किस तरीके से हमारे उलमा ने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, वहीं पर अब हमारे इस आखिरी 150 साल में वो कौन कौन मुफस्सिरीन हैं अरब और अजम में जिन्होंने तफसीर के बाब में जलालत और गुमराही फैलाने की कोशिश की, और उनकी तफसीर में क्या क्या गुमराहियां हैं। बरसगीर में जो लोग इस बाब में मशहूर हैं उनमें से चंद ये हैं। नंबर एक, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी, नंबर दो मौलाना अबुल कलाम आजाद, नंबर तीन इनायतुल्लाह मशरिकी, नंबर चार
मौदूदी साहब, नंबर 5 हमीदुद्दीन फराही, नंबर 6 अमीन हसन इस्लाही, नंबर 7 गुलाम अहमद परवेज, नंबर 8 जावेद गामदी, नंबर 9 अरशद शाज। इसमें 3-4 नाम को हजरत ने जिक्र किए हैं और दूसरे 4-5 वो है जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, यानी 19वीं सदी के अवाखिर से लेकर 21वीं सदी तक के ये वो लोग हैं बर्र सगीर के जो जिद्दत पसंदी के इमाम उज़्ज़लाला माने जाते हैं। यहां पर एक बात की वजाहत करता चलूं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी खिदमात तफसीर और दीनी मैदान में छोड़कर दूसरे मैदान में मुसल्लम है, जैसे सर सैयद और मौलाना आज़ाद। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस उम्मत का इम्तियाज़ ये रहा कि ये उम्मत किसी की सिर्फ खिदमात को देखकर उसकी गलतियों पर पर्दा पोशी नहीं करती। इस उम्मत का हमेशा तरीका और वतीरा ये रहा है कि जिसकी खिदमात जिस बाब में है उसे तस्लीम किया जाए और जहां उसकी गलती है उस गलती को आयां किया जाए, उसे बयान कर दिया जाए ताकि लोग उनकी गुमराहियों से महफूज हो। तो सर सैयद साहब इनका तस्किरा कर मकसूद ये नहीं है कि उनको जलील करना, लेकिन सिक्के के दोनों रुख मालूम होने चाहिए। सिक्के के दोनों रुख हमें क्या होने चाहिए? मालूम होने चाहिए। तो सर सैयद से उनकी जो खिदमात है वो मुसल्लम है, वो जानते हैं कि तालीम के बाब में उन्होंने मुसलमानों को आगे करने के लिए कोशिश की, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उसके साथ साथ में उनकी बुराइयों को भी हजम कर लिया जाए। नहीं, उनकी बुराइयों को हमें जानना पड़ेगा क्योंकि उनकी बुराइयां कोई मामूली दर्जे की नहीं। अकीदे के बाब में बुराई, तफसीर के बाब में बुराई और फिकह के बाब में बुराई, हर बाब में उन्होंने ऐसे गुल खिलाए हैं कि उन्हें बर्र सगीर में गोया के जिद्दत पसंदों को मटेरियल फराहम करने वाला कहा जाता है, कुमक फराहम करने वाला, कि उनके बाद जितने भी जिद्दत पसंद आए वो सब उन्हीं से रुजू करते हैं और उन्हीं से इस्तिफादा करते हैं। लिहाजा आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले एक मजमून लिखा था मैंने, मारक तजदीद व तजद्दुद, 25-30 सफ़े का मजमून था, मारक तजदीद व तजद्दुद A4 साइज़ में, यानी किताबी शक्ल में 60-70 सफ़े का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जमा की थी, तो उसमें सर सैयद के बारे में उनकी बहुत सारी बुराइयाँ थी, उसकी निशानदेही की। तो हमारे एक आलिम दोस्त थे दिल्ली में, उनका फ़ोन आया, कहा कि यार मौलाना आपने ये मारक तजदीद व तजद्दुद में ये जो आपने लिखा है सर सैयद के बारे में, तो कहा ये मरकज़ पर बहुत सारे अलीगढ़ के प्रोफेसर हजरात हैं, उन लोगों को तकलीफ हुई। तो मैंने कहा मैंने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं लिखा है, मैंने कहा कि ये एक फरीजा है, उस फरीजे को अंजाम देने के लिए हमने लिखा। हमको सर सैयद से क्या हसद? हसद कब होता? जब वो हमारे जमाने में होते। उनसे बैर कब होता? जब हमारी उनके साथ कोई झगड़ा हुआ होता। वो कहाँ के, हम कहाँ के, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा एक तो वो मरकज़ पर है और मरकज़ पर रहकर उनको बुरा लग रहा, इसका मतलब ये है कि अभी मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है। अगर 2-4 चिल्ले लगे हैं तो उनको ऐसा बोलो कि और 8-10 चिल्ले लगाओ।
तो मैंने कहा कि उनसे ऐसा कहो कि इससे सर सैयद का इंसल्ट मकसूद नहीं है, इससे मकसूद ये है कि जहां आप सर सैयद की खिदमात का एतराफ़ करते हैं वहां पर उनकी इन गलतियों का भी आपको एतराफ़ करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि दीन के मामले में मुदाहनत नहीं चलती है, ये दीन का मामला है। अकीदे के बाब में, अगर तफसीर के बाब में उन्होंने कैसी कैसी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जावे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी गुमराहियाँ उम्मत में फैल जाएगी और उनके लिटरेचर से कितने लोग गुमराही का शिकार हुए हैं। और मैंने कहा कि सर सैयद की मुरासलत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब से हुई, लेकिन सर सैयद हज़रत थानवी फरमाया करते थे कि आदमी बड़े अच्छे थे, लेकिन उनके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो नादान दोस्त थे मुसलमानों के। वो कैसे दोस्त थे मुसलमानों के? और नादान दोस्त से दुश्मन अच्छा, इसलिए कि वो मुसलमानों को दुनिया के खातिर दीन की कुर्बानी देना चाहते थे। और ये कैसे मुमकिन है? दीन के खातिर दुनिया को कुर्बान किया जा सकता है, मगर दुनिया के खातिर दीन को नहीं कुर्बान किया जा सकता है। दुनिया को दीन के खातिर कुर्बान किया जा सकता है, मगर दुनिया के खातिर दीन को कुर्बान करना, ये कहां की अकलमंदी? तो फरमाते थे कि मुसलमानों की वो दुनियावी तरक्की चाहते थे, मगर वही नीम मुल्ला खतरे ईमान, वो चूंकि उन इल्मों में पुख्तगी नहीं थी, तो इल्मों में पुख्तगी न होने की वजह से वो इस तरह की गलतियां कर बैठे कि जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसी तरीके से हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना की खिदमत सियासत के बाब में उम्मत मुस्लिमा हिंदिया के लिए जो आपने खिदमत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दुनिया और आखिरत में उसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। लेकिन अपनी किताब में उन्होंने जो गलतियां की हैं तफसीर के बाब में, बहरहाल उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। ये कहकर के यार मौलाना ने बहुत खिदमत की है, बहुत कुर्बानियां दी है, जेल में रहे हैं, भाई ठीक है, बराबर है, इसका कहां में इनकार है। लेकिन दीन के मामले में अगर कोई गलती करता है तो उसे तो बयान करना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी इन चीज़ों को बयान करने से पहले ये वजाहत इसलिए कर दी गई ताकि हमारे जहन में ये बात रहे कि भाई उनकी वो खिदमत मुसल्लम, उसका कोई इनकार नहीं। उन्होंने जो सर सैयद के बारे में लिखा है, हज़रत थानवी को किसी ने बयान किया कि वो अलीगढ़ बनाने के लिए चंदा करने के लिए गए तो एक आदमी ने क्या कर दिया, थूक दिया, तो उन्होंने वो थूक भी उठा लिया, उन्होंने वो थूक भी क्या कर लिया, उठा लिया, और कहा कोई बात नहीं, आपका ये थूक भी उसकी दीवार जो बनाएंगे उसमें क्या कर लेंगे, हम शामिल कर लेंगे। तो थानवी ने कहा कि बड़ा मुखलिस आदमी था ये, हमदर्दी थी उम्मत की इसको, बस ये कि इल्म में पुख्तगी नहीं थी, इस वजह से ये मगरबियत और फिक्र मगरब से मुतासिर हो गए, और फिक्र मगरब से मुतासिर होकर, तो इसलिए हमारा काम ये है दोनों पहलू बयान करना। उन्होंने ये अच्छाई की है तो इसका इनकार नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने बुराई की है तो उसको भी बयान करना। तो हज़रत थानवी ही फरमाते थे कि बड़े मुखलिस आदमी थे वो, लेकिन दीन में पुख्तगी नहीं थी, उलमा की सोहबत जैसी मिलनी चाहिए वैसी उनको मिल नहीं सकी, और फिर अंग्रेज़ों की सोहबत मिली, और फिर अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ से बहरहाल, शैतान की सोहबत में रहकर इंसान शैतान ही बन सकता है, अगर शैतान नहीं भी बने तो उससे मुतासिर तो क्या हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। तो चूंकि उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों के साथ ताल्लुकात रहे, लिहाजा इस बुनियाद पर वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ जो बात अंग्रेज़ को नहीं समझ में आती है उसकी कुछ भी तावील कर डालो, ये उनका मकसद था। उनका मकसद क्या था कि कुरान हदीस और फिकह की, इस्लाम की जो बात भी अंग्रेज़ों को समझ में ना आए उसकी कुछ भी तावील करो, चाहे वो तावील के उसूल के खिलाफ ही क्यों ना जाए। ये थी असल उनकी गड़बड़, कि इनको समझाना चाहिए। अरे भाई, उनको समझाने के लिए अपना नुकसान क्यों करना? जो तावील के उसूल बयान किए हैं उसके हद में रहकर अगर आपने उनको समझाने की कोशिश की होती तो इन अलैना इल्लल बलाग, जब नबी ने कहा कि आप, नबी को कहा गया कि आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, तो उनको समझाने के लिए कुछ भी करना ये तो अकलमंदी की बात नहीं है, ना अकलन सही है और ना नकलन सही है।